दोस्तों ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं नहीं बना रहा। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो, कोई टीम मैनेज नहीं करते हो या फिर एम्प्लॉयज़ मैनेज नहीं करते हो तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से ये 20 मिनट का वीडियो है, सो फील फ्री टू स्किप दिस वीडियो और मूव टू एनी अदर वीडियो। देर आर लॉट्स ऑफ अदर एंटरटेनमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग वीडियोज़ लाइक हाउ यू कैन ग्रो बियर्ड लाइक मी। यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़ इन माई चैनल। दिस वीडियो इज़ टेक्निकल वीडियो जो आपको एक अमेजिंग प्रोडक्ट के कंट्रोल पैनल में लेके जाएगा, जिसका बेसिक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल में, बहुत ही पॉपुलर है। तो शुरू करने से पहले अगर हिंट्स बोलना चाहो या कुछ भी बोलना चाहो तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिनेमा में टीवी में हमने देखा है कि बड़े बड़े मॉनिटर के सामने बैठे हुए लोगों को पता चलता है कि किसी कंपनी में हैकिंग हो गया है कि नहीं, किसी अनवांटेड यूज़र ने लॉगिन किया है कि नहीं, कहीं कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कि नहीं। तो ये सब क्या छोटा सा कंपनी अगर आपके पास है तो वो सब हो सकता है क्या? अलर्ट मिलना या फिर किसी ने डिलीट कर दिया है तो किसने डिलीट किया है, पासवर्ड चेंज कर लिया है तो किसने कर लिया है। बड़े बड़े कंपनीज ये सब जो करता है, छोटा कंपनी है अगर आपके पास तो क्या आप कर पाओगे? ये आप जो वीडियो आप देखोगे ना, आपको लगेगा यार ये मेरे पास बहुत पहले से होना चाहिए था। तो मेरा जो टीम है या फिर मेरा जो कंपनी है आज ये जिस मुकाम पे है, ये इससे आगे जा सकता था। मैं 100% श्योर हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। अगर लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक कीजिए। हे हेलो एंड वेलकम टू एम्बिशन सक्सेस। मेरा नाम है एसके और ये वीडियो होने वाला है गूगल वर्कस्पेस के एडमिन कंसोल के ऊपर। दोज हु फॉलो माई वीडियोज इन इंग्लिश डोंट बी डिसअपॉइंटेड। इफ़ यू वॉन्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश जस्ट कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टाइप इन कमेंट ऑल्सो एंड आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू दैट। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एडमिशन सक्सेस में मैंने फॉलो किया है कि द मोस्ट पॉपुलर वीडियो और द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट ऑफ एम्बिशन सक्सेस इज स्टिल गूगल वर्कस्पेस। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मोस्ट ऑफ देम फॉलो हिंदी एज देयर लैंग्वेज, इसीलिए मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ। बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आइदर हिंदी इंग्लिश एंड ऑल्सो आई एम कम्फर्टेबल इन बंगाली। सो यू फील फ्री, ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। तो जिस लैंग्वेज से ही आप लोग चाहते हो वीडियोज़ मैं उसी लैंग्वेज से बनाऊँगा। अल्टीमेटली आपका इशू सॉल्व होना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट के आई डोंट ओनली क्रिएट वीडियोज़, आई ऑल्सो प्रोवाइड डिस्काउंट कोड जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा गूगल वर्कस्पेस के सब्सक्रिप्शन में। एंड उसको कैसे आप अवेल करना होता है, जो फर्स्ट वीडियो है सेटअप गूगल वर्कस्पेस उसके अंदर ही सारा बताया गया है। यू जस्ट नीड टू फिल अप अ फॉर्म एंड देन आई विल प्रोवाइड यू दैट डिस्काउंट कोड। जस्ट वन थिंग, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग कोड देते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दैट्स द रीज़न अभी हम लोग थोड़ा चेंज कर दिया है पॉलिसी को। अभी आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा उस स्क्रीन का जहाँ पे वो कोड अप्लाई करना होता है, एंड देन वी विल प्रोवाइड यू दैट। ये हम लोग इसलिए शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे कोड बर्बाद हो जाता है जो बहुत ही होना नहीं चाहिए। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं शुरू से ही आज आपको दिखाऊंगा। सो जस्ट आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और क्योंकि हम लोग एडमिन कंसोल में जाएंगे, जस्ट टाइप कीजिए admin.google.com और एंटर मारिए। ये फ्री के गूगल में नहीं होता है, आप सबको पता ही होगा। नहीं पता है तो मेरा गूगल वर्कस्पेस के ऊपर जो सीरीज़ वन है या फिर बेसिक सीरीज़ है वो देख लीजिए। बस लॉगिन कीजिए अपने गूगल वर्कस्पेस के आईडी से एंड देन आप एंटर कर लोगे। तो शुरू में ही जो ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से ये जो तीन कार्ड्स है यही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे कार्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे
चीज़ ऐसा है जो आपको ज़रूरत भी नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये है सपोर्ट। गूगल वर्कस्पेस का यही एक खासियत है, सबसे बेहतर जो मैं मानता हूँ, कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे कोई दिक्कत होता है तो वो सपोर्ट ले सकता है गूगल से, जो फ्री में नहीं होता है। अगर आपका पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप सपोर्ट ले सकते हो गूगल से। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो किसका मदद लोगे आप? गूगल है, उसके लिए आप पैसा दे रहे हो। और कितना पैसा दे रहे हो? 150 रुपया। एक मोबाइल का रिचार्ज भी आजकल 150 रुपये से ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। डेटा माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन मतलब पहले मान लीजिए आप किसी दूसरे चीज़ में अपने बिजनेस चलाते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उसमें से आप अगर ट्रांसफ़र करके लेना चाहते हो अपना डेटा, अपना सारा ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, तो आप इसको इस्तेमाल करके लेके आ सकते हो। देन एडमिन रोल, जैसे मैंने बताया था, ऑफलाइन में आपके अंदर काम करता है लोग, उसके अंदर भी लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के पावर्स, उनके रोल्स अलग अलग होता था। ऐसे मान लीजिए कि आप फिनांस डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो फिनांस ही देखेगा। यहाँ पे भी आप रोल क्रिएट कर सकते हो जिसको बस फिनांस या फिर बिलिंग के ही परमिशन दे सकते हो। रोल क्रिएट कर सकते हो जिसको परमिशन दे सकते हो कि वो नया ईमेल आईडी क्रिएट करे। रोल क्रिएट कर सकते हो जो कोई खास काम के लिए ही, जिनके पास पावर होगा, दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा वो। इससे क्या होगा? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योर रहेगा और डिवीजन ऑफ वर्क भी होगा और स्मूथली काम जाएगा। तो इसके अंदर सारे जो फीचर्स है उसके लेके आप वो कर सकते हो। रिपोर्ट, कितना फाइल क्रिएट हुआ, कितना ईमेल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया, कितना स्पेस बाकी है, कोई डिलीट हो गया है फाइल, किसने डिलीट किया, कोई सेटिंग्स चेंज हो गया, किसने चेंज किया, ये सब रिपोर्ट आपको चाहिए। इससे क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा लीक हो रहा है या नहीं लीक हो रहा है, ये सब इसके अंदर से आप जान पाओगे। जैसे ये बताया था कि जैसे न्यू ईयर में कोई बिजनेस है आपका, आपका इंडिया में कोई बिजनेस है, जैसे बिल्डिंग्स एंड रिसोर्सेज, मैनेज एंड मॉनिटर योर बिल्डिंग्स, रूम्स एंड रिसोर्सेज, उस तरह से आप ये भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, जब आपके बहुत सारे रूम्स है एक बिल्डिंग में, आप अगर बिल्डिंग और रिसोर्सेस, रूम वगैरह अगर आप क्रिएट करते हो, तो फिर जब मीटिंग होगा तो उस मीटिंग में आप बता सकते हो इस रूम में होगा, उस रूम में होगा, लिख के देने का ज़रूरत नहीं। जब मीटिंग रिक्वेस्ट सेंड करोगे ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा। ऊपर से और एक खासियत ये है कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बस दो रूम है, तो मैंने बुक कर लिया, अब दूसरा बंदा भी बुक कर लिया, तो फिर एक साथ अगर सेम टाइम में जाएगा तो क्या होगा? परेशानी होगा। तो रूम क्रिएट करने से क्या होगा, मैंने बुक कर लिया तो जितने ड्यूरेशन के लिए मैंने बुक किया, उस ड्यूरेशन में दूसरे लोग उस रूम को बुक नहीं कर पाएगा, जब खाली होगा तभी बुक कर पाएगा। ये है इसका यूटिलाइजेशन। देन रूल्स वी हैव, इसमें बताया गया है मैनेज रूल्स टू सेट अलर्ट एंड एक्शंस। सो कोई सिक्योरिटी ब्रीच अगर होता है, किसी ने किसी चीज़ को ऐसे कर लिया है जो होना नहीं चाहिए था, उसके हिसाब से ये आपको टाइम टू टाइम अलर्ट देगा, जिससे कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को, अपने डेटा को। सो जैसे मान लीजिए गूगल प्रोटेक्ट्स यू बाय डिफॉल्ट, क्रिएट अलर्ट्स फ्रॉम ऑडिट लॉग इवेंट्स, यूज रिपोर्टिंग रूल टू गेट अलर्ट व्हेन स्पेसिफिक इवेंट ट्रैक इन ऑडिट लॉग। सो इसके अंदर अगर मैं क्विकली पढ़ जाऊँ, यूजर रिपोर्ट फिशिंग, ओके, यूजर पासवर्ड चेंज, यूजर एडमिन प्रिविलेज रिवोक, यूजर सस्पेंडेड फॉर स्पैमिंग थ्रू रिले। तो ये सारे जो है सिक्योरिटी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल आ रहा है, बहुत सारे यूजर्स जिनको पता होता है कि ये ईमेल में वायरस है या फिर ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नोटिफाई कर सकते हो ईमेल को। तो ऐसा कितने बंदों ने किया है, फिर पासवर्ड कितने लोगों ने चेंज किया है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो ये सब होना चाहिए आपके पास। फिर यूजर सस्पेंडेड, गूगल आइडेंटिटी अलर्ट, यूजर सस्पेंडेड बाय एडमिन,
यूजर ग्रांटेड एडमिन प्रिविलेज, यूजर डिलीटेड, सस्पिशियस प्रोग्रामेटिक लॉगिंग, मतलब अगर कोई रोबोट लॉगिन कर रहा है आपके नेटवर्क में, सस्पिशियस लॉगिंग, सस्पिशियस डिवाइस एक्टिविटी, तो इन सब चीज़ों को देख के आपको समझ में आ गया कि तो जो एडमिन होगा वो अगर टाइम रहते हुए ये सब उसको अलर्ट मिल जाए तो आप स्टेप ले सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाहर जाऊंगा मैं, ये हो गया रूल्स। फिर आ गया आपका अकाउंट सेटिंग, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये बेसिकली आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो गूगल में तो उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है एंड रिलेटेड टू दैट विच इज समथिंग लाइक इनकॉर्पोरेशन और समथिंग लाइक दैट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज यूजर्स इनटू यूनिट ऑफ अप्लाइंग पॉलिसीज, ये मुझे देख के कुछ हायरार्की सा लग रहा है। तो अगर मैं जाऊँ तो मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, सो आई मे हैव सब ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं इस पर क्रिएट करता हूँ तो देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट डिस्क्रिप्शन एंड ओके। सो हो सकता है, मान लीजिए मैं होटल, जी मैं ज़्यादातर आपको देता आ रहा हूँ, होटल का बिजनेस चला रहा था, अभी मैं दूसरा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सो मैं एक सब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ। इसको करने से क्या होगा, मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ सब ऑर्गेनाइजेशन, सब डोमेन जो मैं बाद में दिखाऊंगा उसको भी आप एक ही गूगल वर्कस्पेस के अंदर ही लेके आ सकते हो, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकता है। मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा, तो जब ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर लोगे उसके बाद जब कोई यूज़र आप आईडी क्रिएट करोगे, पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ये जाएगा, होटल में जाएगा या फिर कैटरिंग में जाएगा, समथिंग लाइक दैट। देन सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग एंड व्यू अलर्ट्स एंड एनालिटिक्स, अंदर चलते हैं थोड़ा सा। सो अलर्ट सेंटर, रूल्स, पासवर्ड मैनेजमेंट, लेस सिक्योर एप्स, टू स्टेप वेरिफिकेशन, अकाउंट रिकवरी, लॉगिन चैलेंजेस, एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कंटेक्स्ट अवेयर एक्सेस, गूगल क्लाउड, सेशन कंट्रोल। सो एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए टू स्टेज वेरिफिकेशन फ्री के जीमेल में भी होता है, तो आप क्या मैंडेटरी करना चाहते हो आपके यूजर्स के लिए टू स्टेज वेरिफिकेशन या फिर वन स्टेज वेरिफिकेशन, कितना चैलेंजिंग रहेगा अगर कोई पासवर्ड रिसेट करना चाहे। ऑल दोज थिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फ्री में क्या होता है, गूगल क्रिएट करता है, गूगल वर्कस्पेस में आप क्रिएट करोगे कितना चैलेंजिंग होगा, ताकि मोर सिक्योर रहे आपका ऑर्गेनाइजेशन। मैं जाऊंगा बाहर, फिर आ जाएगा ग्रुप्स, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मान लीजिए एक ग्रुप आपने क्रिएट किया जो है अकाउंटेंट्स के लिए, एक ग्रुप आपने क्रिएट किया मैनेजर्स के लिए, एक ग्रुप आपने क्रिएट किया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो सिर्फ अगर आपको मैनेजर्स को ईमेल करना है तो उस ग्रुप को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो एक एक करके मैनेजर का नाम आपको याद करके उसमें डालने का ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आप इंटरनल वेबसाइट क्रिएट करोगे तो एक ग्रुप को अगर एक्सेस दे दोगे तो वही लोग देख पाएगा। आप अगर शायद मैनेजर्स के लिए कुछ क्रिएट करोगे, नहीं चाहते हो अकाउंटेंट या फिर उससे नीचे जो क्लर्क है वो ना देखे वो सारी इंफॉर्मेशन, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली। देन वी हैव ऐप्स, सो यूट्यूब बंद करना चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नया ऐप जो थर्ड पार्टी है आप ऐड करना चाहते हो जो गूगल वर्कस्पेस में नहीं है लेकिन बाहर है, तो वो सारे चीज़ आप यहाँ कर सकते हो, बंद करना, ऑन करना, परचेज करना, उसको ब्लॉक करना एंड ऑल दोज थिंग्स। देन मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, देन डिवाइसेस जिसके बारे में मैंने बताया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अंदर जाता हूँ, देखिए मोबाइल डिवाइसेस, मैनेज एंड्रॉयड, आईओएस, गूगल सिंक डिवाइसेस, आप डिफाइन करोगे कि कौन सा डिवाइस से लॉगिन होगा। अगर चाहते हो कि मोबाइल से आपके एम्प्लॉयज़ लॉगिन कर पाए तो कर पाएगा,
नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैनेज विंडोज 10 ड्राइव फॉर डेस्कटॉप एंड पॉइंट वेरिफिकेशन एंड फंडामेंटल डिवाइसेस। सो अगर डेस्कटॉप से भी आप कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या है, बहुत सारे टाइम में क्या होता है, डेस्कटॉप के साथ गूगल का जो ड्राइव है सिंक होता है, तो अगर आप चाहो कि बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। क्रोम डिवाइसेस, क्रोम डिवाइसेस मतलब क्रोम ब्राउज़र नहीं है, क्रोम एक लैपटॉप भी है गूगल का, उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। गूगल मीट हार्डवेयर, जैमबोर्ड, ये सारे डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर है। जैमबोर्ड एक बहुत सारा डिस्प्ले टीवी जैसा है, गूगल मीट हार्डवेयर भी। गूगल मीट जैसे मोबाइल में आप करते हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा डिस्प्ले बोर्ड होता है, टेबल में माइक्रोफोन रहता है, माइक्रोफोन म्यूट अनम्यूट करने का रहता है, तो वो सारे हार्डवेयर अगर आप ऐड करते हो तो क्या होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। मैनेज ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र के बारे में यहाँ बताया गया है, तो मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, 18 मिनट्स हो गया है। माई इंटेंशन इज़ टू मेक दिस स्मॉल बट इंफॉर्मेटिव। अब आ गया यूजर्स, बिलिंग्स एंड डोमेन्स। यूजर्स, ऐड यूजर्स, कोई नया ज्वाइन किया है तो उसको ऐड करने के लिए ये है, कोई छोड़ के चला गया है तो ये है। अपडेट यूजर्स नेम और ईमेल, ये एक फीचर है, आप फ्री के जीमेल में कोई ईमेल आईडी अगर क्रिएट कर लेते हो तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे इसमें क्या आप चेंज कर लोगे बट सेम तरह से काम करेगा। अब बस ईमेल आईडी नया जो बन चेंज कर चुके हैं वो शेयर कर दो अपने कॉन्टैक्ट के साथ, वो लोग इस्तेमाल करके पुराना डेटा वहीं पे रहेगा, कोई इशू नहीं है। नाम चेंज कर लो, मतलब मान लीजिए कि फिनांस एट द रेट एम्बिशन सक्सेस डॉट को डॉट इन कोई डिपार्टमेंट है, अब वो सम सैम डिसूजा उसको ऑपरेट करता था, अभी आ गया मान लीजिए डिसिल्वा डिसूजा या फिर मान लीजिए बॉबिन डिसूजा, तो अब नेम चेंज कर दो जब भी कोई चेंज हो गया। यहाँ से क्रिएट ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ईमेल एलियास, इसके बारे में मेरे डिटेल्स में वीडियो है, बेसिकली थोड़ा सा बता दूँ, एक ही ईमेल रहेगा लेकिन आप एलियास क्रिएट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरा है इन्फो, अब मैं चाहूँ तो HR, मैं चाहूँ तो बाकी सब, एट द रेट के बाद अलग रहेगा बट एट द रेट से पहले जैसे एडमिन, इन्फो, HR, CSR, डोनेशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, सबको एक ही जगह से कंट्रोल कर पाऊंगा। उन सारे ईमेल में जो भी ईमेल आएगा वो रिडायरेक्ट होके मेरा जो मेन ईमेल आईडी है उसमें आ जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा इससे, बस क्या होगा आप जब मेल रिप्लाई करोगे आपके मेन ईमेल से ही वो जाएगा। देन बिलिंग, मैनेज सब्सक्रिप्शन, कोई नया सब्सक्रिप्शन लोगे या फिर गूगल का सब्सक्रिप्शन जो है वो अनसब्सक्राइब करोगे, नहीं चाहिए गूगल, यहाँ से कर सकते हो। पेमेंट अकाउंट, कौन सा कार्ड से पेमेंट करोगे, कौन से कार्ड एक्सपायर हो गया उसको डिलीट करोगे, यहाँ गेट मोर सर्विसेज, थोड़ा सा क्लिक मैंने कर लिया है। ओके, मान लीजिए आपको अपग्रेड करना है, आपको डाउनग्रेड करना है तो इसके अंदर से आप कर सकते हो। फिर है डोमेन, मैनेज डोमेन, आपका जो डोमेन है उसका पासवर्ड वगैरह या फिर सेटिंग्स चेंज करना है, दूसरा एक डोमेन आप ऐड करोगे, चेंज योर प्राइमरी डोमेन, आपके प्राइमरी डोमेन जनरली चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे मैं क्लिक करके एक बार देखता हूँ क्या बोलता है, यू कांट चेंज योर प्राइमरी डोमेन जो मैंने लिखा था। सेकेंडरी डोमेन आप चेंज कर सकते हो। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके जरिए मैंने कंट्रोल पैनल या फिर एडमिन कंसोल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोशिश किया है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इफ सो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हो सकता है आगे मैं इन डिटेल स्पेसिफिक ये जो कार्ड्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कैसा और वीडियोस आपको चाहिए। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जिनको वेबसाइट चाहिए विदाउट होस्टिंग AMC एंड डिज़ाइन चार्जेस, जिनको बड़े बड़े कंपनी जैसे IT फीचर्स चाहिए बस 150 रुपीज़ पर मंथ, जिनको गूगल का कस्टमर सर्विस चाहिए उनके लिए ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये थोड़ा एडवांस मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज से,
अगर आपको बेसिक चाहिए तो ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.